ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर दिया। वही वही के कहा होंगे तो ये एक कह लो की सारी चीजें पानी के अंदर डिजोल्व होती है क्या होती है पानी के अंदर डिजोल्व तो एक सोल्वेंट का, का काम करता है किसका काम करता है सोल्वेंट का तो वैसे ही हमारे ब्लड में भी ऑस्मोलरिटी बढ़ाने की बहुत जरूरत है

आपके बॉडी में कुछ लिक्विड सब्सटेंसेस भी हैं जो आपकी बॉडी में रन करते हैं भागते हैं दौड़ते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं जैसे ब्लड एंड लिम्फ और दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का आपका सर्क्युलेटरी सिस्टम एंड ऑल द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद दर्कुलेटरी सिस्टम जैसे आपका हार्ट ब्लड वेसल और कैसे सर्कुलेशन होती है राइट किसकी सर्कुलेशन ब्लड की तो वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे तो जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बेटा आपका ब्लड एंड लिम्फ तो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले ब्लड का नाम सबने सुना होगा क्या होता है ब्लड खून क्या कहते हैं ब्लड को बेटा खून तो ये ब्लड बेसिकली है क्या क्या चीज है ये आपकी बॉडी में इतनी चीजें हैं क्या ये टिश्यू है क्या ही ऑर्गन है नहीं ये एक्चुअल में टिश्यू ही है क्या है ये टिश्यू बट कौन सा टिश्यू तो चार तरह के टिश्यू पड़ते हो आप और उसे से आपकी पूरी बॉडी बनती है जैसे पहला एपिथेलियल टिश्यू दूसरा कनेक्टिव टिश्यू तीसरा मस्कुलर एंड फोर्थ नर्वस तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा ये कनेक्टिव टिश्यू में आता है कनेक्टिव टिश्यू में एक टिश्यू आता है कौन सा आता है उसमें दो कैटेगरी होती है एक स्केलेटल और एक फ्लूड तो ये फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है राइट right? सो so ये बेटा एक्चुअल में होता क्या है द ब्लड इज अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू क्या है बेटा ये एक फ्लूड कनेक्टिव ओके okay? अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड किस चीज का बना हुआ है वॉट इट इज मेड अप ऑफ आपका जो बेटा ब्लड है आपका जो ब्लड है दो चीजों का बना है एक है बेटा इसमें प्लाज्मा द ट्रांसपेरेंट लिक्विड टाइप थिंग और एक है बेटा इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके कुछ सेल्स आते हैं या सेल के टुकड़े आते हैं और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या चीज हैं ये हैं आपके रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स एंड प्लेटलेट्स देखो अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो इसमें आपको एक तो कुछ ये बड़े बड़े यूनिट दिख रहे हैं ये सेल्स हैं ये आरबीसी हैं

ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा आ गया व्हिच इज एक्चुअली स्ट्रॉ कलर्ड येलो पेल येलो कलर का ये था प्लाज्मा तो so, अराउंड 55% हमारा होता है प्लाज्मा कितना परसेंट 55% बाकी का बेटा जो आपका 45% बचा वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें आपके जो आप देख सकते हो यहाँ पे जब सेपरेशन हुई तो यहाँ पर एक लाइन सी बन गई क्या बन गई बेटा यहाँ पर एक लाइन सी छोटी सी वो था बफी कोट जिसमें प्लेटलेट्स और आपके आते हैं ठीक है तो 45 में से अराउंड 1 1 लेस देन आपका बफी कोट में सारा सामान होता है फाइन सो so ऐसे जब सेंट्रीफ्यूज किया तो हमें एक सेपरेशन मिली इनकी सेपरेशन आपको भी पता है यहाँ पे सेडिमेंटेशन होता है उस हिसाब से होती है राइट सो so हमने ये सेपरेशन कैसे करी विद हमारे पास क्या था? था हमारे पास blood. अब हमने क्या किया इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज और जब सेंट्रीफ्यूज हुआ तो ये मिला। ऑलराइट? ओके सो चलो थोड़ा और देखते हैं चीजें ब्लड में क्या है तो सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा मैंने कहा कौन से कलर का है बेटा ये ये है स्ट्रॉ कलर जैसे भूसे का होता है अराउंड ट्रांसपेरेंट सा होता है ट्रांसपेरेंट सा वॉटर लाइक -like होता है ये लिक्विड सा होता है इसमें इसमें 90 कितना? 90 टू नाइन्टी टू परसेंट वाटर होता है 92 परसेंट इसमें क्या होता है वाटर होता है बाकी जो आठ से दस परसेंट बचा वो अदर सब्सटेंसेस होती हैं अदर सब्सटेंसेस अब इसमें पानी की क्या जरूरत पड़ गई व्हाट इज अ नीड ऑफ वाटर है पानी एक बात याद रखना इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ एवरीथिंग एंड इट इज अ मीडियम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन बिना पानी के केमिकल रिएक्शन कहां होंगे तो ये एक कह लो कि सारी चीजें पानी के अंदर डिजोल्व होती हैं कहाँ होती है पानी के अंदर डिसॉल्व तो वो एक सॉल्वेंट का, का काम करता है किसका काम करता है सॉल्वेंट का सो वॉटर इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट एक्ट एज सॉल्वेंट एंड इट इज अ मीडियम ऑफ केमिकल रिएक्शन मीडियम ऑफ केमिकल रिएक्शंस All right, अब बात करते हैं, बाकी क्या सामान है इसमें इसके अंदर और क्या है इसके अंदर दो चीजें और है एक तो है कुछ सॉल्यूट्स जो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं आपके इस पानी के अंदर राइट right? वो क्या चीजें हैं बेटा जैसे मान लो कोई गैसेस जैसे ऑक्सीजन जैसे सीओ टू ठीक है आपको पता है जैसे हमने कहा था कि हमारा कुछ परसेंटेज लाइक थ्री ऑक्सीजन जो होता है वो प्लाज्मा में स्टेट में जाता है तो वो इस पानी में घुला होगा फाइन और इसमें बेटा क्या होता है कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट लाइक यूरिया आपने खाना खाया लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड ये सब चीजें भी इसी में होंगी वाइटमिन वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स वाइटमिन दोनों वाटर सोल्यूबल होंगी ठीक है वाइटमिन जैसे दो तरह के होते हैं ना एक फैट सोल्यूबल एक वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल जैसे ए ई के वो नहीं इसके अलावा जैसे आपका वाइटमिन बी है जो आपका बी है वो आराम से इसमें डिजोल्व स्टेट में जा सकता है इसके अलावा बेटा बहुत सारे आइंस भी हो सकते हैं क्या हो सकते हैं आइंस तो मैंने कहा कि पानी तो है ही पानी के अलावा भी और बहुत सारी चीजें बेटा इसमें ऐसे जाती हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल भी जा सकता है ठीक है दो वो घुलेगा नहीं अच्छे से ओके अगर आपने कोई ड्रग्स खाई हैं तो ड्रग्स भी हो सकती हैं एंड मैनी मोर थिंग्स इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है वो क्या है प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं प्लाज्मा ओके तो अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं इस आठ और दस परसेंट में से एक से दो परसेंट ही सॉल्यूट होंगे बाकी जो बचा आपका इधर वो सारे आपके प्लाज्मा प्रोटीन होंगे अब ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या क्या है प्लाज्मा प्रोटीन है बेटा यहाँ पर वाटर प्लाज्मा प्रोटीन होते क्या है वो प्रोटीन जो प्लाज्मा में होते हैं वो प्रोटीन जो प्लाज्मा में होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है बेटा एक एल्ब्यूमिन एक ग्लोब्यूलिन एक फिब्रिनोजन और एक प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोटीन्स इनको अभी हम डिटेल में करेंगे पर उससे पहले चलो एक थोड़ा सा रिविजन करते हैं हमारे पास क्या है जो ब्लड है जो आपका ब्लड है ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं प्लास्मा 55 परसेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45 परसेंट कॉम्ड एलिमेंट्स में तीन चीजें आती हैं रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स ओके अब प्लाज्मा की बात करी तो पानी उसमें 92-92 परसेंट है अदर चीजें 8 से 10 परसेंट उसमें भी थोड़ी से हैं जैसे कोई भी चीज जो आपके प्लाज्मा में घुल जाती है और प्लाज्मा प्रोटीन जो ये चार है कलर क्या होता है प्लाज्मा का स्ट्रॉ कलर होता है ये ट्रांसपेरेंट सा होता है अब आगे प्लाज्मा प्रोटीन सबसे पहले प्रोटीन का नाम लिखा था हमने एल्ब्यूमिन क्या नाम लिखा था बच्चे एल्ब्यूमिन जो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये सबसे सबसे छोटा और ज़्यादा होता होता है क्या होता है क्या बेटा स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बंडेंट स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बंडेंट सबसे छोटा पर सबसे ज्यादा तो ये करता क्या है आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स ऐसे ही प्लाज्मा में नहीं जा सकते जैसे थायरोक्सिन तो ऐसे हॉर्मोन्स को ये ट्रांसपोर्ट करवाता है सो इट हेल्प इन पहला फंक्शन इसका ध्यान से सुना हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ थायरोक्सिन हॉर्मोन दूसरा इसका क्या फंक्शन है क्या फंक्शन है एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन आपके ब्लड में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बनाई रखता है एक ऑस्मोलैरिटी फिक्स ठीक है जैसे हम कहते हैं ना कि अगर सॉल्ट ज़्यादा होते हैं तो वो चीज़ की ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा होती है ठीक है ऐसे ही बोलते हैं ना हमेशा जैसे जो आपका रेज इन होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो पानी उसके अंदर चला जाता है जब आप उसको पानी में डालते हो हाइपर ऑस्मोटिक लाइक तो वैसे ही हमारे ब्लड में भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है तो वो कैसे मेंटेन होती है वो होती है बेटा जब आप जब आप आपके ब्लड के अंदर ये एल्ब्यूमिन भरा होगा तो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी तो जो भी पानी आप पियोगे वो सारा ब्लड में आराम से चला जाएगा ठीक है अगर मैं बोलूँ अगर मैं बोलू, ये ब्लड है क्या है ये ब्लड इसमें बहुत सारे एल्ब्यूमिन प्रोटीन है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हुई तो सारा पानी इसके अंदर चला जाएगा तो इसी तरह से यह आपका ऑस्मोटिक बैलेंस करता है अगर आप में एल्ब्यूमिन की कमी हो गई अगर आप में एल्ब्यूमिन की कमी हो गई तो क्या ये पानी ब्लड में जाएगा नहीं जाएगा तो ये पानी कहाँ जाएगा टिश्यूज में जाएगा या ब्लड के अंदर भी जो पानी होगा वो भी टिश्यूज में चला जाएगा जिसकी वजह से आपके टिश्यू फूल जाएंगे इसे कहते हैं ओडीमा स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज ये हाइपोथरज्म में भी दिखता है या आप ज्यादा ट्रैवल करते हो पैर सूज जाते हैं जाते हैं ना तो बेटा ऐसे ही इसकी वजह से भी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो हो जाए हो जाएगी तो पैर सूज जाएंगे तो ये क्या कर रहा है ये ऑस्मोटिक बैलेंस कर रहा है इट हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑल राइट अगला प्रोटीन क्या है अगला प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन ग्लोबुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके तीन टाइप है कितने टाइप है बेटा तीन टाइप है अल्फा बीटा और गामा इनमें से जो अल्फा और बीटा है इनमें से जो अल्फा और बीटा है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाइटमिन जैसे मैंने कहा कि जो तो वाटर सॉल्युबल वाइटमिन है जैसे बी राइट right? जैसे सी वो तो उस सॉल्यूट में आराम से प्लाज्मा में डिजोल्व होकर चले जाएंगे पर ए डी ई के ये इनको कोई चाहिए कैरियर चाहिए तो वो है एल्फा बीटा ग्लोबुलिन ठीक है तो गामा क्या करता है आपने सुना होगा गामा ग्लोबुलिन या गामा इम्यूनोग्लोबुलिन तो यही है वो गामा ग्लोबुलिन जो क्या बनाता है बेटा इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज तो आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन तो यहां से ही उसमें वर्ड ग्लोबुलिन आया है ओके ऑल राइट अब इसके अलावा बेटा हमने दो और करे थे फिब्रिनोजन फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन अब ये क्या थे फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं मतलब ये अभी ऑफ हैं अभी ये ऑन नहीं हुए हैं और ये क्या काम करते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं क्या काम करते हैं ब्लड क्लॉटिंग इसलिए नेचर ने इनको किसमें दिया है इनएक्टिव फॉर्म में जब क्लॉटिंग की जरूरत होगी तभी ये ऑन होंगे अगर नहीं जरूरत तो ये नहीं ऑन होंगे राइट अगर ये बेटा ऑन होते तो पता क्या होता नॉर्मली क्लॉड बन जाते और वो बहुत डेंजरस होते हैं इसलिए नेचर ने इनको इनएक्टिव फॉर्म में डाला तो ये चार बेटा आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन फिब्रीनोजन प्रोथ्रोम्बिन इसमें सबसे छोटे और सबसे ज्यादा है आपके एल्ब्यूमिन और ये क्या करते हैं ये ऑस्मोटिक बैलेंस कराते हैं और थायरोक्सिन हार्मोन को मूव करते हैं Globulin में जो अल्फा बीटा है वो ट्रांसपोर्ट वाले हैं गामा वाला आपकी एंटीबॉडीज बनाता है ये दोनों आपके इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये क्या करते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं ऑल राइट मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे फॉर्मड एलिमेंट्स सी ब्लड के दो पार्ट थे एक प्लाज्मा कितना परसेंट 55. और डेलीमेंट्स एलिमेंट्स 45 तो अब हम किसकी बात करेंगे बेटा जो 45 वाले हैं फॉर्म एलिमेंट्स तीन फॉर्म एलिमेंट थे आरबीसी रेड ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ठीक है तो RBC की जैसे कि मैंने कहा क्या फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स सेल्स के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं हम कॉर्पसल्स क्या वर्ड यूज करते हैं कॉर्पसल ऑल्सो दे आर नोन एज एरिथ्रोसाइट इनको बेटा हम और क्या कहते हैं एरिथ्रोसाइट ठीक है अगर सभी फॉर्म्ड एलिमेंट्स से के कंपैरिजन में बात करें ये सबसे ज्यादा होते हैं एक हेल्दी बंदे में एक हेल्दी एडल्ट में अराउंड 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन होते हैं पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड तो याद रखना सबसे ज्यादा अपने आरबीसी है तभी आपके खून का रंग लाल होता है ठीक है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता ठीक है इसकी जो शेप है बेटा वो बाइकॉनकेव है अगर आप यहाँ देख सकते हो सेंटर में डिप्रेशन है है ना ये एक आरबीसी है अगर साइड से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा ऐसा ये बाइकॉनकेव शेप होती है ये कौन सी होती है बायकॉनकेव मतलब दोनों तरफ बाय मतलब टू दोनों साइड से कॉनकेव है इसमें ना ही न्यूक्लियस होता है एंड ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है ठीक है इसलिए बेटा ये रेस्पिरेशन भी कौन सी करेगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है एनारोबिक करेगा अब इसके अंदर ये दो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, है क्योंकि इसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना था वो था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में किया तो इसको क्या रखना था हीमोग्लोबिन क्या रखना था बेटा हीमोग्लोबिन सो देव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नोन एस हीमोग्लोबिन एक अडल्ट में अच्छे हेल्दी में 100 एम ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है 12 से 16 ग्राम हमने ब्रीदिंग में भी किया था आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है बेटा 120 दिन 120 डे और बाद में ये कहीं पर जाके तोड़ दिए जाते हैं वो ऑर्गन है स्प्लीन क्या है स्प्लीन जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं ग्रेवयार्ड क्या होता है जहां पर हम किसी को दफन करते हैं करते हैं ना तो यहाँ पर एक ऑर्गन होता है स्प्लीन अगर ये बेटा आपका स्टमक है तो स्टमक के पीछे यहां पर होता है आपका स्प्लीन ठीक है? इंपॉर्टेंट so ऑर्गन आपने हो सकता है बहुत बच्चों के लिए ऑर्गन नया हो तो डोंट वरी अबाउट इट और अब मैंने कहा इसकी शेप है बेटा बाइकॉनकेव क्या शेप है इसकी बाइकॉनकेव इसके सरफेस पे यहाँ पर इसके सरफेस पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीनस होते हैं क्या होते हैं बेटा ग्लाइकोप्रोटीन इनको हम एंटीजन कहते हैं क्या कहते हैं एंटीजन तो वॉट आर दीज दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन ओके कभी कभी इनके साथ लिपिड भी होते हैं सो so ये ग्लाइकोलिपिड भी ये दोनों होते हैं इसके सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड दोनों होते हैं इनमें से जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो एक एंटीजन का काम करता है किसका काम करता है एंटीजन का मेरी बात ध्यान से सुनिए आपने सुना होगा कि इस पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे हम ग्लाइकोकेलेक्स कहते हैं क्या कहते हैं ग्लाइकोकेलेक्स। तो ग्लाइकोकेलेक्स में बाहर की तरफ इसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होंगे सरफेस पे इसके होंगे ना तो इसके सरफेस पे ये ग्लाइकोप्रोटीन कभी कभी ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं और इनमें जो ग्लाइको होते हैं ये एंटीजन का काम करते हैं किसका काम करते हैं एंटीजन का अब ये एंटीजन क्या चीज होती है एंटी मतलब एंटीबॉडी जन मतलब जेनरेटिंग जन मतलब जेनरेटिंग अगर आपके बैक्टीरिया की बात करें बैक्टीरिया के वॉल को अगर वॉल को अच्छे से देखें तो उसके ऊपर भी कुछ ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन होंगे होंगे ना आराम से होंगे या कई वैक्स सिक्रीट करते हैं उसमें लाइपोपोलीसेराइड की लेयर होती है होती है एलपीएस पढ़ते हो तो जिनमें होती है हम कहते हैं कि वो वायरल वाले हैं पढ़ते हो ना तो वैसे ही जब ये बैक्टीरियाज उस एलपीएस को लेकर तुम्हारी बॉडी में जाएंगे तो उस एल को तुम्हारा इम्यून सिस्टम पहचान लेगा पहचान लेगा ना तो वो एल की लेयर में कुछ तो होगा जैसे कुछ लिपिड हो गया कोई ग्लाइकोप्रोटीन हो गया ठीक है तो वो जो लाइपोपोलीसेराइड वाली जो लेयर है उसमें जो केमिकल है उससे आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है उसे पहचान रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं एंटीजन अब वैसे ही ये आरबीसी के ऊपर भी ये एंटीजन है ठीक है और यही एंटीजन अलग अलग ब्लड ग्रुप्स बनाता है सो व्हाट इज एन एंटीजन बेटा एंटीजन इज एनीथिंग लाइक अ ग्लाइकोप्रोटीन विच जनरेट्स एंटीबॉडी ऑल राइट ओके तो अब बेटा हम आगे बात करते हैं हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की सो एज आव टोल यू देयर ऑल्सो हीमोग्लोबिन अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें ऑल राइट मूव इट हियर अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें उटमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन बेटा दो चीजों का बना है कितने चीजों का बना है दो चीजों का एक इसमें होता है हीम पार्ट कौन सा पार्ट हीम पार्ट एक होता है ग्लोबिन पार्ट ग्लोबिन पार्ट बना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का किसका बना है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का हीम में बेटा क्या होता है आयरन होता है क्या होता है आयरन ओके तो अगर आप देख सकते हो ये जो आपको पोर्शन दिख रहे हैं ये आपके प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन है तो यहाँ पर हमारे पास दो अल्फा चेन होती हैं और दो बीटा चेन होती हैं कितनी होती हैं बेटा दो अल्फा आप देख सकते हो यहाँ पर दो अल्फा दो बीटा ओके और बीच में इनमें ये आयरन मॉलिक्यूल है. है ये रिंग की फॉर्म में होता है और इसे हम हीम कहते हैं तो एक हीम में बेटा अगर आप देखोगे एक आयरन है और कितने टोटल आयरन हुए फिर इसमें चार आयरन हुए ठीक है तो ये फोर आयरन होते हैं हीमोग्लोबिन में होते हैं ना एक आयरन से एक आयरन से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगता है सो एक हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन उठा सकता है फोर ऑक्सीजन उठा सकता है Is this point clear? ये लिखा है मैंने, okay? so, एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन उठा सकता है सो so, इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है हीमोग्लोबिन का कि ये एक ऑक्सीजन कैरियर है क्या उठा रहा है बेटा ये ऑक्सीजन उठा रहा है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर आरबीसी बिकॉज हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है ठीक है चलो अब एरिथ्रोपोइसिस क्या है अब ये वॉट इज एरिथरो एरिथ्रो मतलब एरिथ्रो वर्ड आया है आरबीसी से एंड पॉइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन पॉइसिस का मतलब क्या होता है फॉर्मेशन सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर बी राइट तो ये स्टार्ट कहाँ पर हुई सबसे पहले उसमें एक चीज याद रखना बेटा निमोनिक बता रही हूं यंग लिवर सिंथेसाइज ब्लड ओके okay? सबसे पहले सबसे पहले मतलब जब आप एम्ब्रियो थे तो आप में एक जैसे एम्बनियन होता है वाटर बैग की तरह ठीक है वैसे ही योग साग भी होता है एक एम्ब्रियो के अलावा भी कुछ कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं जो बाद में वो झड़ जाती हैं ठीक है ठीके? हमारे साथ नहीं आती वो होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या आप ट्वेल्थ में डिटेल में पढ़ोगे तो उनमें एक, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है योग साग क्या होती है योग साग तो सबसे पहले बेटा सबसे पहले योग सैक में आपका आरबीसी बनता है जब आप एम्ब्रियो थे क्योंकि तब यार इतने ऑर्गन बने ही नहीं थे तब ऑर्गन बने ही नहीं थे उसके बाद बना बना लिवर में में फिर स्प्लीन में बना। हाँ जब तुम बड़े हो गए अडल्ट बन गए तो स्प्लीन में आरबीसी टूटने लग गए पर जब आप एम्ब्रियो थे तब वो स्प्लीन में बन रहे थे उसके बाद जब आप फुली फॉर्म फीटस हो गए बड़े हो गए मम्मा के अभी उसमें वॉम में तो आपका बोन मैरो में होनी शुरू हो गई, ठीक है? तो यह सीक्वेंस रहता है सबसे पहले आरबीसी की formation में हुई, फिर, लिवर में, फिर स्प्लीन में फिर बोन मैरो में हुई ओके अब यह जो बोन मैरो कौन सा बोन मैरो है ये है रेड बोन मैरो क्या है बेटा रेड बोन मैरो अगर हम अगर हम हमारी हड्डी बनाए ये मान लो एक हड्डी है ठीक है हड्डी में इधर एक अडल्ट की हड्डी बना रही हूँ बच्चे की बात नहीं कर रही ठीक है बच्चे में हमारे पास ज्यादातर रेड बोन मैरो होती है पर हम में रेड येलो दोनों होती है स्टार्टिंग में जब आप बच्चे थे नए नए आपका जन्म हुआ था तो आप में सारी बोन मैरो रेड थी धीरे धीरे रेड येलो में कन्वर्ट होने लग गई और रेड कुछ कुछ जगह पर ही रह गई जैसे यहाँ पर आपकी रेड बोन मैरो होती है और यहां पर आपकी येलो बोन मैरो होती है, है? ठीक अगेन यहां पर भी रेड है ओके तो दिस इज रेड बोन मैरो रेड बोन मैरो में एक हेल्दी एडल्ट में क्या बनता है बेटा आरबीसी नॉट जस्ट आरबीसी और भी जैसे डब्ल्यू बी सी भी प्लेटलेट भी ये सब बनते हैं ओके okay? ये जो बोन मैरो है इसके पास क्या है इसके पास छोटे छोटे सेल्स हैं इसके पास छोटे छोटे सेल्स हैं इन सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स क्या कहते हैं स्टेम सेल्स क्योंकि ये हीमोपोइसिस दैट इज ब्लड का सिंथेसिस हीमोपोइसिस क्या होता है बेटा जैसे रिथ्रोपोइसिस आपका फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है हीमोपोइसिस क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ओके तो ये बेटा आपका आपका जो रेड बोन मैरो है इसके अंदर सेल्स होते हैं क्या नाम है इनका हिमैटो वो सेल होता है जो किसी में भी तब्दील हो सकता है किसी में ही कन्वर्ट हो सकता है तो हिमैटो स्टेम सेल आर द सेल्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू एनी टाइप ऑफ सेल बट वो ब्लड सेल ही होगा ओके okay? तो so, इसमें से कन्वर्जन होती है और वो बनते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट क्या बनते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फिर इनमें मैचुरेशन होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है बेटा मैचुरेशन कौन सा प्रोसेस मैच्योर होते हैं ये और जब ये मैच्योर होते हैं जब ये मैच्योर होते हैं तो ये अपना न्यूक्लियस निकाल देते हैं न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया निकाल देते हैं हीमोग्लोबिन ले लेते हैं और ये बन जाते हैं शुद्ध आरबीसी क्या बन जाते हैं शुद्ध आरबीसी तो हुआ क्या आपके बोन मैरो में ये सेल बहुत सारे होते हैं इनमें से फिर कोई एक मेच्योर होता है कि चलो चलो आरबीसी बनाते हैं वो उसको कहते प्रोरिथ्रो ब्लास्ट ठीक है फिर उसके बाद वो जब मेच्योर होता है तो अपना न्यूक्लियस ऑफ माइटोकॉन्डियो निकाल देता है वो बन जाता है रेड ब्लड सेल इनको करने में दो चीजों का बहुत बड़ा सहयोग है मैचुरेशन को वाइटमिन बी और फॉलिक एसिड ठीक है तभी हम कहते हैं ना बी ट्वेल्व अगर नहीं खाते तो अनिमिया होता है पॉलिक एसिड विच इज बी नाइन वाइटामिन बी नाइन ये नहीं खाते तो क्या होता है तब भी क्यों क्योंकि ये मैचुटेशन में बहुत हेल्प कर रहे हैं और राइट तो ये था बेटा इसका एरिथ्रोपोइसिस की ये कैसे बनता है अब हम बात करेंगे डब्ल्यू बी सी व्हाट इज फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल okay? so, और कॉर्पल्सोर ल्यूकोसाइट ओके तो अब लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में नहीं कंफ्यूज होना ल्यूको को डब्ल्यू होते हैं दे आर कलरलेस व्हाई क्योंकि बेटा इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ये एकदम रंगीन नहीं होते ठीक है कलरलेस होते हैं इनमें न्यूक्लियस होता है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था आरबीसी सबसे ज्यादा थे मिलियंस में थे पर एम एम क्यूब ऑफ ब्लड ये बेटा सिर्फ 6000 से 8000 होते हैं पर एमएम ऑफ ब्लड राइट ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लूकोसाइटलिफ्ट वो 120 डे के लिए रहते थे ये थोड़े कम दिन के लिए रहते हैं और सारे अलग अलग टाइप के डब्ल्यू होते हैं और इनका लाइफ स्पेन भी अलग होता है ठीक है अब बेटा ये आपके जो डब्ल्यू होते हैं और द वाइट ब्लड सेल होते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी और वाइट ब्लड सेल ये दो कैटेगरी में बांटे गए हैं एक ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरे ए ग्रेनोसाइट इनको जब गौर से देखा इनको जब गौर से देखा माइक्रोस्कोप में तो ये कैसे दिखे इनमें किसी 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 में छोटे छोटे दाने दिखे हमें क्या दिखे बेटा छोटे छोटे दाने इनको हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स क्या कहते हैं बेटा इनको ग्रेन्यूल्स ये प्रोटीन के दाने होते हैं क्या होते हैं ये प्रोटीन के दाने होते हैं ये ग्रेन्यूल्स तो यहां पर एक हमारे पास कैटेगरी फिर बनी डब्ल्यू की जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये दाने छोटे छोटे ठीक है इनमें आपके तीन तरह के डब्ल्यू आते हैं पहला आता है इोजिनोफिल तो फिलफिल -फिल वाले जो भी होंगे वो ग्रेन्यूलोसाइट होंगे फिर आता है न्यूट्रोफिल जिनके पीछे फिल लगता है वो ग्रेन्यूलोसाइट है और फिर आता है बेसोफिल इन सबको जब आप देखोगे तो इनमें छोटे चुट छोटे दाने दिखेंगे ए ग्रेन्यूलोसाइट में बेटा ग्रेन्यूल्स नहीं होते ग्रेन्यूल्स एबसेंट ये दो तरह के होते हैं एक होता है बेटा लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट दूसरा होता है मोनोसाइट एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं एक बी लिम्फोसाइट जिसे बी सेल कहते हैं एक टी लिम्फोसाइट जिसे टी सेल कहते हैं ओके okay? एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इन डब्ल्यूबीसी की वो क्या है दे कैन मूव दे शो अमीबॉइड मूवमेंट They show amoeboid मूवमेंट जो कौन से मूवमेंट है बेटा Pseudopodial. जैसे अमीबा मूव करता है ऐसे अपने pseudopodia बनाकर ये भी मूव कर सकते हैं इवन डब्ल्यू भी मूव कर सकते हैं आरबीसी नहीं करते डब्ल्यू कर सकते हैं ओके सो यस डब्ल्यू बी सी कैन मूव मूव आराम से कर सकते हैं ओके चलो तो अब अगर मैंने कहा अब अगर मैंने कहा ये मूव कर सकते हैं इफ तो तो से, से क्या है वो छलांग जैसे मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है क्या है बेटा ब्लड वेसल ब्लड वेसल में ये अमीबॉइड मूवमेंट शो कर रहे हैं डब्ल्यू कर रहे हैं पर इनमें से इनमें से कुछ डब्ल्यू बहुत ज़्यादा शरारती हैं या कह लो उनको कोई काम करना है बड़ा इंपॉर्टेंट और वो काम क्या है कि माइक्रोब पड़ा हुआ है टिश्यू में कहाँ पर पड़ा हुआ है माइक्रोब टिश्यू में और वो एक काम कर सकते हैं फेगोसाइटोसिस वो क्या होता है जैसे मैक्रोफेज़ करते हैं कि अगर कोई माइक्रोब आया उसे ऐसे पकड़ के उसे खा जाते हैं ठीक है उसे बिल्कुल एकदम खा जाते हैं जैसे टिश्यू में हमने किया था आपके हिस्टियोसाइट करे थे ना तो वैसे ही ये जो डब्ल्यू होते हैं बेटा ये डब्ल्यू ये मीबॉड मूवमेंट तो शो करते हैं इसके अलावा ये कई बार ब्लड छोड़कर टिश्यू के अंदर आ जाते हैं राइट और स्क्वीज होकर स्क्वीज होकर आते हैं मी मूवमेंट से और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डायापिडासिस क्या कहते हैं डायापिडासिस what is diapedesis movement of movement of wbc from blood to tissues from blood to tissues okay अमीबर्ड मूवमेंट तो कर ही रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं इसके अलावा वो अपना ब्लड छोड़कर कभी कभी टिश्यूज में भी आ जाते हैं उस प्रोसेस को उस मूवमेंट को जब वो टिश्यू में आते हैं अपना खून छोड़कर उसे कहते हैं डायबिटिस और ये यूजअली कौन से डब्ल्यू होते हैं बेटा ये होते हैं फेगोसेटिक फेगोसेटिक कौन है फेगोसेटिक डब्ल्यू एक तो आपके न्यूट्रोफिल्स और दूसरा मोनोसाइट यही है दोनों जो ये काम करते हैं ओके ऑल राइट अब हम बेटा कैटेगरी को थोड़ा डिटेल में करते हैं हमने कहा हमारे पास अलग अलग तरह के क्या हैं, डब्ल्यू हैं। तो चलो कुछ बनाते हैं फिर शुरू करते हैं सबसे पहले इस कॉलम में हम क्या लिखेंगे बेटा इधर इधर हम लिखेंगे इसके सारे फीचर्स ठीक है फिर हम एक एक करके इधर हम लिखेंगे लिंफोसाइट इधर कर तो so, फिर बेटा हम क्या लिखेंगे फिर हम लिखेंगे मोनोसाइट फिर हम लिखेंगे बेटा मोनोसाइट फिर हम लिखेंगे इओजिनोफिल्स देन ओके okay, इोजिनोफिल्स आई थिंक दैट्स नॉट वर्किंग ओके हो गया Eosinophil, फिर बेटा हम लिखेंगे बेजोफिल एंड योर न्यूट्रोफिल ओके चलो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फीचर्स सारे इधर लिखेंगे हम लिंफोसाइट इधर लिखेंगे हम मोनोसाइट इधर लिखेंगे हम <coughs>

तो बेटा ग्रेन्यूल्स इनमें भी नहीं होते इनमें भी नहीं होते इन सब में होते हैं तो अगर मैं माइक्रोस्कोप में इन सेल्स को देख रही हूँ तो कैसे आइडेंटिफाई करूंगी सबसे पहले तो मैं इनमें देखूंगी दाने से है या नहीं अगर नहीं है तो वो लिम्फोर मोनो में से कोई एक हो सकता है ठीक है अब बेटा अब हम एक बेसिक सी बात करेंगे कि कितने होते हैं हाउ मच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी ओके तो अगर मैं बेटा लिम्फोसाइट की बात करूं इफ आई टॉक अबाउट द लिंफोसाइट लिंफोसाइट बेटा हमारे पास अगर मैं परसेंटेज की बात करूं ये है 22 25% ये है बेटा आपके पास 6 टू 8% देखो एकदम से कितना ड्रास्टिक चेंज आया है परसेंटेज में आया है ना अब मैं आपको और ड्रास्टिक चेंज दिखाऊंगी आप सोचोगे क्या इोजनो फिर दो से तीन परसेंट और ये सिर्फ एक परसेंट उससे भी कम हो सकते हैं और अब देखो 62, 65 ओके okay? अब आपने ग्रेन्यूल से तो देख लिया कि कौन सा ग्रेन्यूलोसाइट है कौन सा नहीं है अब आप आगे कैसे इनको आइडेंटिफाई करोगे हाउ यू आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस Basis of जो आपका होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता, होता है और पूरे सरफेस पे होता है ओके? मतलब ऐसे पूरा भरा ये न्यूक्लियस से अगर बात करें मोनोसाइट की इसका शेप न्यूक्लियस होता है ऐसे किडनी शेप ठीक है इसका कैसा होता है न्यूक्लियस राउंड इसका बीनशेप Whereas, अगर मैं की बात करूं ये किस में आता बेटा ग्रेन्यूलो तो इसमें छोटे छोटे दाने होंगे और इसका जो न्यूक्लियस होगा बायलोब्ड होगा या कह लो जैसे लगते ऐसे लगते ना बड़े वाले वैसा तो ये बायलोब्ड होगा या हेडफोन शेप और ऊपर इसके छोटे छोटे दाने तो होंगे ही होंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको ठीक है ऐसा दिखेगा अब अगर मैं बात करूं बेजो की का जो न्यूक्लियस है वो होता है बेटा ऐसा एस शेप्ड तो तीन लोब बन गई इसकी तीन लोब बन गई ठीक है तो ये बेटा क्या हुआ ये हुआ ट्राइलोब्ड और शेप्ड अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल की न्यूट्रोफिल की अच्छा इसमें भी दाने होंगे बेटा छोटे छोटे ऐसे अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल की न्यूट्रोफिल में भी दाने होंगे पर न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस हमेशा अलग सा ही दिखता है और मल्टीलोब होता है कैसा होता है मल्टीलोब जिसकी वजह से जिसकी वजह से इसके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी हमेशा अलग दिखती है तो इन्हें हम कहते हैं पी एम एन एल पॉलीमोर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट ठीक है क्योंकि हमेशा इसके न्यूक्लियस की मोर्फोलॉजी अलग ही दिखेगी क्योंकि मल्टी लोब है कभी इधर का लोब कभी उधर का लोब तो इसलिए पॉली मतलब मैनी मोर्फो मतलब उसकी शेप किसकी न्यूक्लियो न्यूक्लियस की अलग दिखती है इस ल्यूकोसाइट की अब हम बात करते हैं व्हाट डू दे डू इनका फंक्शन क्या है जैसा कि मैंने कहा ये दो तरह के होते हैं बी सेल एक टी सेल एंड दोनों का ही नाम आपने इम्यून सिस्टम में पढ़ा होगा बड़ा होगा जो आपका बी सेल होता है बच्चे बी सेल बनाता है एंटीबॉडी बी सेल क्या बनाता है एंटीबॉडी और जो टी सेल होता है बेटा टी सेल आपके कैंसर सेल को मारता है या फिर graft rejection में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है कहने का मतलब कि बॉडी इस्तेमाल करती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने या किसी बंदे ने किसी की किडनी ली और वो मैच नहीं करी तो ये टी सेल ही है जो इतना काम खराब कर देते हैं तो टी सेल उसको पहचानेंगे और जो आपने किडनी ली है किसी की उसे समझेंगे बाहर की है भाई मेरी तो नहीं है उसे खत्म कर देंगे ठीक है मोनोसाइट जैसे कि हमने बात करी थी ये फेगोसेटिक है फेगोसाइटोसिस करते हैं इोजिनोफिल्स बेटा ये एंटी एलर्जिक है वॉट आर दे एंटी एलर्जिक एंड एंटी पैरासिटिक जब भी आपकी बॉडी में कोई पैरासाइट आता है जैसे आपके इंटरस्टाइन में आता है ना एस्कैरिस तो उस टाइम पर ईओजिनोफिल उससे लड़ने आते हैं ठीक है थीके? या बेटा एलर्जी जब भी होती है जब भी आपकी एलर्जी होती है तो इनका नंबर बढ़ता है आप ऐसे भी बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जीज ठीक है ये बेटर रहेगा क्योंकि एंटी एलर्जिक का एक और भी मतलब निकलता है तो आप उसको निकाल तो इंपॉर्टेंट रोल करते हैं सूजन में मच्छर काटता है लाल लाल हो जाता है क्यों क्योंकि ये बेजोफिल होते हैं ये कुछ चीजें सिक्रीट करते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं बेटा हिस्टामिन सेरोटोनिन जैसे हमने टिश्यूज में किया था या था टिश्यूज में मास्ट सेल करे थे ये तीनों चीजें सिक्रीट करे थे तो वैसे ही ब्लड में भी मास्ट सेल के भाई हैं वो भी ये तीन चीजें सिक्रीट कर रहे हैं नाउ व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स हिस्टामिन जो ब्लड वेसल को खोल देता है वेजोडाटर है सेरोटोनिन है एंड एंटीकोगुलेंट है ठीक है और ये न्यूट्रोफिल क्या करते हैं ये भी फेगोसिटिक है जब भी कोई इंफेक्शन कोई एलर्जी होती है सबसे पहले कौन पहुंचेगा जिसका नंबर ज़्यादा नंबर किसका ज़्यादा है न्यूट्रोफिल का सो दीज आर फर्स्ट वन टू अराइव एट साइट ऑफ इंफेक्शन एट साइट ऑफ इंफेक्शन ओके okay? तो so, ये थे बेटा आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डब्ल्यू इनको एक बार आप देख लो ये क्या करते हैं कैसे हैं ये सब देख लो इन केस अगर आप सोच रहे हो तो इनमें भी ग्रेन्यूल्स होंगे लाइक दिस ठीक है चलो ये थे बेटा आपके डब्ल्यू आगे चलते हैं अच्छा जब कोई कैंसर होता है ब्लड कैंसर सुना आपने

आगे बढ़ते हैं बेटा प्लेटलेट्स की बात करते हैं किसकी बात करेंगे प्लेटलेट्स की नाउ दीज प्लेटलेट्स बेटा ये प्लेटलेट्स क्या चीज है इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट इज इट्स अनदर नेम थ्रोम्बोसाइट जहां पर भी वर्ड साइट आ जाए उसका मतलब होता है सेल और जहां पर भी वर्ड थ्रोम्बो आ जाए मतलब इट इज रिलेटेड विद ब्लड क्लॉटिंग किससे रिलेटेड ब्लड क्लॉटिंग से, से ठीक है ये प्लेटलेट कहां बनते हैं दे आर फॉर्मड इन दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो अगेन ठीक है इनका नंबर कितना होता है अच्छा ये तो आपको पता ही होगा क्यों नहीं पता होगा आपने क्यों सुना नहीं होगा प्लेटलेट्स किसी के कम हो गए किसी के ज्यादा हो गए डेंगी में अभी तो डेंगी का सीजन भी बेटा चल रहा है ना डेंगी का सीजन चल रहा है तो आपने सुना होगा कि किसी के किसी के जो प्लेटलेट्स है कम हो गए डेंगी की वजह से ओके okay. तो इसका बेटा काउंट कितना होता है इसका होता है वन पॉइंट ओके वन पॉइंट फाइव लाख टू थ्री पॉइंट फाइव लाख एम एम क्यूब ऑफ ब्लड ठीक है अब ये जो प्लेटलेट होते हैं ये क्या एक सेल होते हैं आर दे सम सेल्स दीज आर नॉट सेल्स दीज आर टुकड़े ऑफ सेल्स जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स वॉट आर दे दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल इनका अगर शेप देखें तो ये बाइकॉनवेक्स है क्या होता है कॉन्वेक्स ऐसा कॉनकेव जो अंदर से डिप्रेस होता है कॉन्वेक्स ऐसे होता है अब बेटा हुआ क्या था रेड बोन मैरो में एक बड़ा सा सेल बना जिसमें बहुत बड़ा न्यूक्लियस था क्या था बहुत बड़ा न्यूक्लियस इस सेल का नाम था मेगा कैरियोसाइट ये सेल बेटा टूट गया और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं प्लेटलेट्स ठीक है सो प्लेटलेट कैसे बने विदिसंटीग्रेशन या टूट जाना ऑफ अ लार्ज सेल विच इज नोन एज मेगा मतलब सेल मतलब ओके okay? तो इस तरह आपके प्लेटलेट बनते हैं वट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लेटलेट इन योर बॉडी ये ब्लड क्लॉटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग हेल्प इन ब्लडिंग ओके यस आई होप बेटा आपको सबको समझ में आया होगा ये ब्लड क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करते हैं क्योंकि बेटा ये ना एक ग्रोथ फैक्टर से क्रिएट करते हैं ग्रोथ फैक्टर ना क्या होते हैं कुछ कुछ प्रोटीन जैसी चीजें होती है हमारी बॉडी में जो अगर है और उस साइट पर है तो वो दूसरों चीजों का ग्रोथ करा देता है जैसे ग्रोथ हार्मोन है ठीक है ग्रोथ हार्मोन भी एक तरह का ग्रोथ फैक्टर है पर सिंस वो बड़ी ग्लैंड से बन रहा है दूसरी जगह पर जाकर काम कर रहा है तो उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कह देते हैं तो ऐसे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो वहीं पर सिक्रीट होते हैं वहीं पर काम करते हैं तो जो प्लेटलेट होता है ये क्या करता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है बाय सिक्रीटिंग प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर ठीक है बाकी इसको हम ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड कोगुलेशन में पढ़ेंगे चलो बच्चे आगे ब्लड ग्रुप्स अब ये ब्लड ग्रुप्स क्या है तो आपने एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सुनी होगी हम हमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग तो बहुत ही ध्यान से समझना आराम से समझ आ जाएगा तुमने सुना होगा किसी का ब्लड ग्रुप ए है किसी का बी है किसी का ओ है किसी का ए भी दोनों है सुना होगा अब ये डिफरेंट क्यों होता है भाई जब इंसान एक ये डिफरेंट है पर क्यों है क्या कारण है इसके डिफरेंट होने का हमें जीन्स अलग होती है ना मानते हो ना यार तेरे मेरे में जीन्स कुछ तो अलग होंगी तो वैसे ही ये ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग भी जीन्स से कंट्रोल होता है ठीक है ये जेनेटिक्स में पढ़ोगे तुम ट्वेल्थ में बहुत इंटरेस्टिंग है तो बेटा ये जो ए बी ओ आपका ब्लड ग्रुपिंग है जो ए वाला है ये डिफरेंट बी से कैसे है हमने आरबीसी बनाया था बनाया था ना और आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बनाए थे क्या थे वो एंटीजन एंटीजन वो ग्लाइकोप्रोटीन थे जो एंटीबॉडी बनाते हैं क्या बनाते हैं एंटीबॉडी बनाते हैं ठीक है ओके अब अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं ये एक बेसिक ग्लाइकोप्रोटीन है जो हरा हरा सा लगा हुआ है और ये सभी ब्लड ग्रुप में है ए वाले के पास भी है बी वाले के पास भी है ओ वाले के पास भी है ठीक है अब अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं हमारे ए ब्लड ग्रुप की इसकी बात करूं ए ब्लड ग्रुप की तो ए वाले के पास ये तो है ही ए वाले के पास ये तो है ही ठीक है ये सबके पास है ये सबके पास है ठीक है पर उसके पास एक स्पेशल एंटीजन जिसको आप स्पेसिफिकली एंटीजन बोलते हो मैंने कहा ये एक आ, के ऊपर की कोटिंग है, है? सबके पास ये तो होगा ही होगा इसके अलावा एक स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन होगा अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास मान लो ये ए ए ही होगा ठीक है अलग ग्लाइकोप्रोटीन है ये तो हम सब पे ए लिख देते हैं लिख दिया ये सारा झंडा ये ग्लाइकोप्रोटीन ये एंटीजन कहलाता है और ये सिर्फ ए के पास ही होगा ठीक है या फिर ये ए बी वाले के पास होगा अगर कोई किसी का ब्लड ग्रुप बी है और किसी का ए बी है तो उनमें क्या डिफरेंस है कि बेटा ये तो सबके पास है ही ये तो सबके पास है ही बी वाले के पास एक, एक एक्स्ट्रा बी होगा बी ग्लाइकोप्रोटीन होगा और जो आपका और जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप वाला होगा ये बी ब्लड ग्रुप हो गया ये ए बी ए बी वाले के पास आधे ए होंगे और आधे क्या होंगे आधे बी होंगे समझ में आई बात ये क्या है बेटा ये एंटीजन है क्या है ये एंटीजन और एंटीजन क्या होते हैं एंटीजन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन तो बी वाले के पास कुछ और होते हैं ए वाले के पास कुछ और होते हैं ए बी वाले के पास दोनों एंटीजन होते हैं ठीक है ओके और इन एंटीजन का काम क्या है इन एंटीजन का काम है इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाना चलाना ठीक है ये मान लो ओ वाला है ओ वाले के पास अपने स्पेसिफिकली नए या सिर्फ अपने बिलोंगिंग नहीं होते ठीक है ये मान लो बी वाला है पर ये आपने एक चीज देखी होगी ग्रीन तो सबके पास है है ना ग्रीन तो सबके पास है ओके अब यहां पर आएगा एक छोटा सा ट्विस्ट मैंने कहा ये एंटीजन है मैंने क्या कहा एंटीजन है अब अगर मान लो इमेजिन करो मेरा ब्लड ग्रुप ए है क्या है मेरा ब्लड ग्रुप ए तो मेरे पूरे आरबीसी के ऊपर ये ए ए लगे हुए हैं मेरे सारे आरबीसी के ऊपर ये ए ए लगे हुए हैं लगे हुए हैं चलो अब करते हैं एक छोटी सी बात इफ देर इज अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए इज अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए एंड आई बी ठीक है अब अगर ए वाला ए वाला जिसके पास ए एंटीजन है और एक बी वाला है बी वाले के पास बी एंटीजन है, है? अगर मैं इसका ब्लड ग्रुप इसको दे दू मान लो तुम्हारे भाई का ब्लड ग्रुप बी है तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है अगर तुम अपने भाई को ब्लड दे दो तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्यों क्योंकि जैसे ही ये इसकी बॉडी में जाएगा इसकी बॉडी के लिए ये एक एंटीजन हो गया हो गया हुआ या नहीं हो गया ना इसकी बॉडी को पता है कि बी ब्लड ग्रुप होता है ए तो दुश्मन है ठीक है तो ये क्या करेगा ये एक एंटीबॉडी बना देगा क्या बना देगा एंटीबॉडी जो ए को डिस्ट्रॉय करेगी और इस एंटीबॉडी का नाम है एंटीए क्या नाम है इसका ए ठीक है सिमिलरली अगर ए के अंदर बी एंटीबॉडी जाएगी मतलब सॉरी बी आर बी सी जाएगा तो ए वाले को तो यही पता है कि ए ही होता है बाकी सब दुश्मन होते हैं तो वो उसे पहचानेगा नहीं उसे फॉरन मानेगा दुश्मन मानेगा तो ये क्या बनाएगा बेटा ये भी एंटीबॉडी बना देगा पर ये एंटीबॉडी होगी एंटी बी फाइन ओके अब इन दोनों को अगर मैं ए बी देती हूँ क्या देती हूँ ए बी ब्लड ग्रुप जिसमें ए बी लगा है बी बी लगा है तो इसको ये ए को पहचान लेगा तो ये तो सोचेगा तो मेरा दोस्त है वैसे ही अगर मैं इसको क्या देती हूँ ए बी ब्लड ग्रुप देती हूँ तो ये किसको पहचान लेगा बी को पहचान लेगा और बोलेगा तो मेरा दोस्त है है तो यहाँ पर जो ए बी वाला है ठीक है ये जो बी वाला ब्लड ग्रुप है ये इसको जब मैंने बेटा क्या दिया इसको मैंने ए भी दिया ये बी को पहचान लेगा और ये ए को पहचान लेगा बट इनमें एक और भी तो एंटीजन है ना है या नहीं तो ये इसको तो प्रॉब्लम नहीं करेगा बट इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा तो यहां पर भी ब्लड क्लॉटिंग होगी होगी अब अगर किसी का अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है क्या है बेटा ए बी अब ए बी वाले का ब्लड ग्रुप कैसा होगा इसके ऊपर ए और बी दोनों लगे होंगे अब मैंने इसको बेटा क्या दिया ए ब्लड ग्रुप दिया ए ब्लड ग्रुप दिया दिया? ये वाला दिया और मैंने इसको ये भी दिया यस दिया? Yes? तो इसको तो दोनों ही दोस्त लगेंगे लगेंगे ना तो इसको आप अगर दोनों ही ब्लड ग्रुप दे देते हो इसको दोनों दोस्त लगेंगे क्योंकि ये ए को भी पहचानता है बी को भी पहचानता है दोनों फ्रेंड्स है तो इसीलिए ये किसी से भी ब्लड ले सकता है ये है यूनिवर्सल रेसिपियंट क्या है यूनिवर्सल रेसिपिएंट अब अगर मैं बात करूं ओ की किसकी बात करूं ओ की ओ के पास क्या है अगर कोई बंदा ओ ब्लड ग्रुप वाला है ओ वाला तो उसके पास बेटा सिर्फ यही है ग्रीन ठीक है 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 ना yes no? अब ये तो है, अब अब तो सबके पास आप ओ किसी को भी दे दो सबको दोस्त ही लगेगा क्योंकि इसके पास सारे सभी के पास वही एंटीजन है सबके पास वही वा, वही वाला एंटीजन होता है तो इसीलिए ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि इसके पास एक स्पेशल एंटीजन नहीं है कि कोई दूसरा उसे पहचाने और एंटीजन से ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है फाइन तो इससे बेटा आपको क्या पता चलता है आपने पढ़ा होगा देखा होगा एनसीआरटी में कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसके एंटीजन होंगे ए ठीक है पर अगर मैं उसे बी में डालती हूं बी ब्लड ग्रुप में तो एंटी बी एंटीबॉडी बनेगी ओके okay? तो फिर ये किससे ब्लड ले सकता है ओ से तो सभी ले सकते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है और जो उसके ऊपर कोटिंग है वो सबके पास है तो सब अपने फ्रेंड ही समझेंगे उसे तो ये ए से तो लेगा ओ से भी लेगा बी वाले के पास बी एंटीजन है पर ये दुश्मन किसका है ए का एंटी ए एंटीबॉडी बनाएगा ओके अब इस ये किससे ब्लड ले सकता है बी से तो लेगा ओ से भी लेगा ए बी ए बी के पास दोनों एंटीजन है अगर इसके पास दोनों है तो दोनों ही उसके दोस्त हुए तो ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा ए बी ए ए बी ओ सबसे ब्लड ले सकता है तभी ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है यूनिवर्सल रेसिपियंट है ओ की बात करें इसके ऊपर कोई भी स्पेशल एंटीजन नहीं है तो ये एंटी ए बी एंटीबॉडी तो बनाएगा जब कोई इसके अंदर आएगा पर यह सबको ब्लड दे सकता है पर ये खुद बेचारा किससे ले सकता है सिर्फ ओ से इमेजिन अगर ये कोई बंदा है ओ ब्लड ग्रुप वाला कौन सा ओ बेटा खुद तो एंटीजन नहीं है तो वो अगर किसी के अंदर जाएगा तो कोई उसे पहचान नहीं पाएगा ठीक है पर अगर इसके अंदर ए वाला आ जाता है तो ये तो इसे पहचान लेगा क्योंकि ए के पास एंटीजन है तो जिसके पास एंटीजन होगा वो जहां जाएगा उसकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जेनरेट करेगा ठीक है तो अगर मैं मान लो ब्लड ग्रुप है मेरा ठीक है अब किसी का ओ है अगर मैं अपना ब्लड ओ वाले को देती हूँ तो उसको प्रॉब्लम होगी अगर वो मुझे देता है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसके पास जो है वो मेरे पास भी है पर जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं है फाइन चलो तो ये हुए बेटा आपके ब्लड ग्रुप्स अब अगर मैं ब्लड ग्रुप मिसमैच करती हूँ क्या करती हूँ बेटा मिसमैच मिसमैच ऑफ ब्लड ग्रुप मतलब अगर मैंने ए वाले ब्लड ग्रुप वाले बंदे को बी ब्लड ग्रुप दे दिया क्या दे दिया बी ब्लड ग्रुप तो क्या होगा एंटी बी एंटीबॉडी बनेगी और ये बी ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय करेगी ठीक है उसके ब्लड ग्रुप को कुछ नहीं करेगी इससे बेटा क्या होगा इससे क्या होगा इससे ब्लड क्वागुलेशन होगी ब्लड क्लॉटिंग होगी सो वेन एवर देअर इज मिसमैच ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब दोनों का मिलना जब भी मिसमैच ट्रांसफ्यूजन होता है उस टाइम पर ब्लड की क्लॉटिंग होती है क्योंकि ये एंटीबॉडी से क्लॉट कर देते हैं राइट जिससे आपकी बॉडी में बहुत नुकसान पहुंच सकता है आपकी फिल्ट्रेशन ब्लॉक हो सकती है जैसे किडनी की ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है तो डेडली भी हो सकता है सो so, यहां पर जरूर लिख देना ड्यूरिंग मिसमैच ट्रांसफ्यूजन

ब्लॉक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहां पर होती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किडनी में ओके okay? चलो भाई तो ये हुआ बेटा आपका मिसमैच जब ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग का होता है अब आपने एक सुना होगा कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सुना होगा प्लस भी तो लगाते हैं ना ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव अब ये क्या चीज़ है एक तो हमने ये सरफेस प्रोटीन देखे आपके आर बी सी के ऊपर एक थे ओ एक था ए, आपका ए A, A वाला एक बी वाला ठीक है ये सब देखे थे इसके अलावा बेटा हमने एक और भी एंटीजन देखा था जिसे कहते हैं आर एच एंटीजन क्या कहते हैं आर एच एंटीजन तो एक आर एच एंटीजन बी होता है इसका नाम आर एच क्यों रखा है क्योंकि ये डिस्कवर हुआ था एक मंकी से डिस्कवर्ड फ्रॉम रीसस मंकी ये एक बंदर का नाम है उससे हमें मिला था ठीक है अगर किसी बंदे में अगर किसी बंदे में आर एच प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है आर एच तो वो होगा आरएच पॉजिटिव ठीक है अगर किसी में आर एच नहीं है तो वो क्या होगा आर एच नेगेटिव ठीक है अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव तो मेरे में ए वाले एंटीजन तो होंगे उसके अलावा एक आर एच एंटीजन भी होगा ठीक है अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव उसके पास ए वाले तो होंगे बट आर एच वाला नहीं होगा ठीक है अगर एक बंदा अगर एक बंदा आर एच पॉजिटिव है बंदा क्या है आर एच पॉजिटिव और वो ब्लड भी आर एच पॉजिटिव को दे रहा है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सो विल राइट हेयर प्रॉब्लम क्या कोई प्रॉब्लम है आर एच पॉजिटिव पॉजिटिव को दे रहे क्या दिक्कत है अगर दूसरा ए बी ओ मिलता है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार अगर आर एच नेगेटिव आर एच नेगेटिव को देता है तो कोई दिक्कत है नहीं अब आर एच नेगेटिव है जिसके पास एंटीजन नहीं है अब वो आर एच पॉजिटिव को देता है तो कोई प्रॉब्लम है अभी भी नहीं है क्योंकि इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है जब ये इसके शरीर में जाएगा पॉजिटिव वाले के तो उसको कौन सा कुछ एंटीजन मिलने वाला है उसको तो कुछ नहीं दिखने वाला अगर एंटीजन नहीं है तो इम्यून रिस्पॉन्स भी नहीं होगा अब अगर कोई आर पॉजिटिव है आर नेगेटिव को दे रहा है इसके पास एंटीजन नहीं है नहीं है ना इसके पास एंटीजन है अब मैं एंटीजन इसके शरीर में दौड़ा रही हूँ आर आर नेगेटिव वाले के मैं अगर मेरा आर नेगेटिव है मैं किसी पॉजिटिव वाले से अगर लूंगी तो उसके एंटीजन मेरे अंदर आ रहे हैं तो मेरी इम्यूनिटी उसे पहचाने की अब भाई होने वाली है दिक्कत ठीक है ये इनकम्पैटिबिलिटी का केस हम देखते हैं अगर मदर आरएच नेगेटिव है फीटस आरएच पॉजिटिव है तो एक बड़ी भयंकर बीमारी होती है जिसे हम क्या कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है ये इस बीमारी में बेटा जो फीटस है जो क्या है वो है आर एच पॉजिटिव जो मम्मी है वो है आर एच नेगेटिव ठीक है मम्मी और बच्चे में एक स्ट्रक्चर होता है बीच में इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा प्लेसेंटा एक बैरियर है मदर और बच्चे के बीच में ताकि बहुत सारी चीजें दोनों में इधर उधर ना जा सके ठीक है दूसरा ये जो प्लेसेंटा है ये बहुत सारी चीजें ट्रांसफर भी करता है करता है नहीं अब जब मैं पहले बच्चे की बात कर रही हूँ फर्स्ट चाइल्ड की पहला बच्चा पहले बच्चे की डेवलपमेंट चल रही है वो अभी मम्मा के वोम्ब में है और वो डेवलपमेंट वाले फेज को हम कहते हैं जेस्टेशन जब पहले वाला जेस्टेशन चल रहा है पहला बच्चा है मम्मी का मम्मी नेगेटिव है और पता है हमें बच्चा पॉजिटिव है ये तब होता है जब फादर पॉजिटिव हो मम्मी नेगेटिव हो ठीक है क्योंकि पॉजिटिव वाला जो अलील होता है वो डोमिनेटिंग होता है फाइन तो बेटा इस कंडीशन में क्या होगा जब भी जेस्टेशन चल रही है पहला बच्चा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सब नॉर्मल चल रहा है ठीक है नो प्रॉब्लम पर जैसे ही पहले बच्चे की डिलीवरी हुई जैसे ही पहले बच्चे की डिलीवरी हुई तो जो ब्लड था वो मिक्स होता है पहले बच्चे की जब डिलीवरी हुई ब्लड मिक्सिंग हुई ठीक है जैसे ही ब्लड मिक्सिंग हुई बेटा अब मम्मी का तो नेगेटिव है तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है ये मान लो मम्मी का है कोई प्रॉब्लम नहीं पर बच्चे का जब मम्मी में आया आर एच वाला उसके पास तो एंटीजन थे तो मम्मी की बॉडी ने इस एंटीजन को पहचान लिया और एंटी आर एच एंटीबॉडी बना दी ये वो एंटीबॉडी है जो ये आर एच पॉजिटिव वाले ब्लड को डिस्ट्रॉय करती है ठीक है अब मम्मी के ब्लड में एंटीबॉडी बन चुकी है मम्मी की मेमोरी बन चुकी है कि जब भी आर एच पॉजिटिव आया ये एंटीबॉडी उसे खत्म कर देगी ये जो एंटीबॉडी होती है ये आई जी जी टाइप होती है हम में अलग अलग तरह की एंटीबॉडी होती है ए होती है डी होती है ई e होती है एम होती है ये कौन सी आई जी जी ये सबसे छोटी होती है इसका प्रॉब्लम क्या है ये प्लेसेंटा से निकल जाती है क्योंकि ये तो बहुत छोटी होती है प्लेसेंटा समझते हो ना मम्मी और जब बच्चे में बैरियर है अब पहला बच्चा नॉर्मल हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं बस मम्मी में एंटीबॉडी बन गई अब बेटा जब दूसरा बच्चा आया मम्मी दोबारा प्रेग्नेंट हुई ठीक है जब दूसरा बच्चा आया अभी बच्चे का जेस्टेशन चल रहा था जेस्टेशन क्या बताया था बेटा उसकी डेवलपमेंट चली थी अभी वो मम्मी के पेट में था अब वो भी आर एच पॉजिटिव है वो भी क्या है बेटा आर एच पॉजिटिव क्योंकि पापा पॉजिटिव है तो बच्चे तो पॉजिटिव ही पैदा होंगे ठीक है अब इसका जो आरबीसी था वो क्या था आर एच पॉजिटिव हा ये तो बेचारा अपना जी रहा है इसको तो जीन्स ने इस तो ने पॉजिटिव ना बना रहे। पर इसके साथ बेचारे के साथ हुआ क्या कि प्लेसेंटा से ये एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है और ये मम्मी के अंदर ही है तो ये एंटीबॉडी अब इस बच्चे के पास जाएगी बच्चे के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी क्योंकि ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट काम करती है आर एच अगेंस्ट काम करती है ठीक है तो जो दूसरा बच्चा है उसके आरबीसी टूट जाएंगे उसको अनीमिया होगा उसको जॉन्डस होगा ऐसी बीमारी को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस दोबारा बता रही हूं पहला बच्चा नॉर्मल डेवलपमेंट पेट में बढ़िया बस जब डिलीवरी हुई ना तो मम्मी और बच्चे का ब्लड एक्सचेंज हुआ तो मम्मी ने क्या किया मम्मी के पास जब बच्चे का ब्लड आया पॉजिटिव वाला तो मम्मी ने एंटीबॉडी बना ली ठीक है अब वही एंटीबॉडी दूसरे बच्चे को बर्बाद कर रही है क्योंकि दूसरा बच्चा आर एच पॉजिटिव है और ये एंटीबॉडी आर एच पॉजिटिव के लिए ही है तो आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होने वाली है उससे पहले आप इसको मारने वाली एंटीबॉडी बना दो एंटी आरएच एंटीबॉडी पहले ही दे दो मम्मी को ताकि जब ये आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड आए तो ये एंटीबॉडी खत्म हो चुकी हो पॉइंट क्लियर राइट तो क्या कर सकते हैं मदर को क्या दे सकते हैं मदर इज इंजेक्टेड विद एंटी एंटीबॉडी बिफोर डिलीवरी पहले बच्चे की बिफोर ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अभी वो आए हमारे इम्यून सिस्टम से खिलवाड़ करे इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाए यही एंटीबॉडी हमने इंजेक्ट कर दी ताकि ये आरबीसी पहले ही सारा डिस्ट्रॉय हो जाए ये इम्यून सिस्टम को परेशान ना करे ये so, ये बेटा ये था आपका फिटालिस. तो यहां पर बच्चे को क्या होता है क्या है बेटा इसमें क्या चीजें होती हैं? क्या इफेक्ट्स आते हैं? एनीमिया हो गया, गया बीमारी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो चलो बेटा बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है देखो अब आपने सुना होगा ब्लड क्वागुलम और क्वागुलेशन वर्ड सुना होगा आपको चोट लगती है तो बुरे से रंग का लाल से रंग का यहां पर कुछ बन जाता है उसे इंग्लिश में स्कम भी कहते हैं ठीक है ठीके? अभी ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है ब्लड क्लॉटिंग करवाने के लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको चोट लगनी चाहिए ठीक है तो बेटा जब भी चोट लगती है तो क्या होता है मान लो टिश्यू टूट गया ठीक है ब्रोकन टिश्यू है ये ब्रोकन टिश्यू के जो इपिथिलियल सेल्स होंगे मान लो तुम्हारे चोट लगी तो है थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन ठीक है थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीटेड ओके अब जैसे इमेजिन करो ये आपकी बेटा स्किन है ये स्किन के सेल्स है मान लो ये इधर से टूट गई टूट गई इधर से अब यहाँ पर जो ये टूटे फूटे सेल टिश्यू हैं ये कुछ प्रोटीन सिक्रिएट करेंगे जिसे कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन ठीक है यहाँ पर भाग कर कौन आएंगे प्लेटलेट्स आएंगे और टेम्पररी इस जगह को सील कर देंगे टेम्प्ररी इस जगह को सील कर देंगे और ये भी कुछ ग्रोथ फैक्टर सिक्रिएट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर तो यहाँ पर एक और चीज आ रही है वो क्या है बेटा प्लेटलेट और ये क्या सिक्रिएट कर रहे हैं सिक्रीट प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ओके अब क्या होता है बच्चे अब ये दोनों के होने की वजह से इन दोनों के होने की वजह से बड़े कास्केड ऑफ रिएक्शन चलते हैं कास्केड का मतलब होता है एक के बाद एक रिएक्शन आपने एक वर्ड सुना होगा क्लॉटिंग फैक्टर्स क्लॉटिंग फैक्टर कुछ प्रोटीन या आयन होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं तो एक क्लॉटिंग फैक्टर का झुंड बन जाता है और उसे हम कहते हैं इंजाइम क्या नाम है इसका थ्रोम्बोकाइनेस क्या नाम है इसका थ्रोम्बोकाइनेस तो अब यहां पर क्या होता है बेटा ये दोनों मिलकर इस क्लॉटिंग फैक्टर के सी मतलब क्लॉटिंग फैक्टर के ग्रुप को एक्टिवेट कर देते हैं जो एक इंजाइम की तरह काम करता है किसकी तरह काम करता है बेटा इंजाइम की तरह इसका नाम क्या है थ्रोम्बोकाइनेस और ये एक्टिवेट कैसे हुआ है विद दी हेल्प ऑफ अ नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एंड कैल्शियम आइन कैल्शियम आइन ब्लड क्लॉटिंग में इतने इंपॉर्टेंट है इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता ठीक है अब बेटा ये थ्रोम्बोकाइनेज जो इन दोनों की मिली से एक्टिवेट हुआ है जो एक क्लॉटिंग फैक्टर का कॉम्प्लेक्स है ये एक इंजाइम की तरह काम करेगा और जो इनएक्टिव प्रोटीन हैं फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन अब ये एक्टिवेट होंगे अब सबसे पहले ये इंजाइम किसको एक्टिवेट करेगा ये प्रोथ्रोम्बिन को करेगा प्रो को ठीक है इसीलिए इसको कभी कभी प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज और ये इसे कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में राइट अब यहां पर ये ग्रोथ फैक्टर से निकले थे निकले थे ना तो यहां पर एक इंजाइम एक्टिवेट कर दिया अब वो इंजाइम आगे आगे चीजों को एक्टिवेट कर रहे है। ये जो थ्रोम्बिन है ये किसको एक्टिवेट करेगा फिब्रीनोजन को और फिब्रीनोजन बन जाएंगे फिब्रिन जो फिब्रीनोजन होता है बेटा वो गोल गोल एक गोल गोल प्रोटीन जैसा होता है और जो फिब्रिन होता है वो धागे जैसा होता है किसके जैसा होता है धागे जैसा अब बेटा ये फिब्रिन यहां पर आएंगे और ये इसको ऐसे बंद करने की कोशिश करेंगे राइट तो फिब्रिन क्या करते हैं वो ऐसा एक जाल बिछा लेते हैं ऐसा ऐसा जाल बिछा लेंगे और इसमें आपके आरबीसी और प्लेटलेट ट्रैप होंगे RBC और प्लेटलेट ट्रैप होंगे ठीक है इससे हम क्या कहते हैं क्या बन गया क्लॉट बन गया फॉर्मेशन, ओके? और जब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद यहां पर बेटा एक पानी पानी सा निकलता है आफ्टर क्लॉट फॉर्मेशन इसे हम कहते हैं सिरम क्या कहते हैं सिरम ठीक है तो यहां पर एक बात जरूर याद रखना ये सिरम कब निकला कब ऊज आउट हुआ जब ये क्लॉट एकदम टाइट हो गया तो एंड में क्लॉट बनने के बाद जो पानी पानी लिक्विड निकला वो सिरम होता है राइट अब एक बात याद रखना बेटा अगर मैं बात कर रही हूं ब्लड माइनस फॉर्म एलिमेंट्स ब्लड में से फॉर्म एलिमेंट्स निकाल दिए मैंने वो मेरा क्या बना प्लाज्मा ठीक है अगर मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दूंगी तो वो मेरा बनता है सिरम वो क्या बनता है बेटा सिरम ठीक है और सिरम वही पानी पानी है जो बाहर निकलता है फाइन ये ये था बेटा ब्लड ब्लड क्लॉटिंग क्लॉटिंग अब कैसा दिखता है? ये कुछ ऐसा दिखता है है क्लॉट कुछ ऐसा अगर आप देख सकते हो बेटा ये आपके प्लेटलेट्स हैं दीज आर योर प्लेटलेट्स दीज आर योर हो आरबीसी और ये बेटा फिब्रिन है ये क्या है बेटा फिब्रिन धागे जैसा और ये ऐसा एक क्लॉट बनता है ना ब्यूटीफुल राइट तो ऐसे धागे जैसे आप कपड़ा बुनते हो बिल्कुल वैसे बन जाता है आगे क्या क्या क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर इज इज एंड प्रोथ्रोम्बिन जो अभी हमने करे ठीक है क्लॉटिंग करेलॉटिंग फोर इज कैल्शियमाइन फिफ्थ इज लिबाइल फैक्टर आपका सिक्स होता नहीं और सेवेंथ है प्रोकन्वर्टिन एथ इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नाइन्थ इज क्रिसमस फैक्टर इसमें बेटा हीमोफिलिया होता है ठीक है हीमोफीलिया ए हीमोफिलिया बी आपने सुना वो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती क्या नहीं हो पाती ब्लड क्लॉटिंग तो ये दोनों हीमोफिलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती इज टू टेंट पावर फैक्टर इलेवेंथ इज पीटीए प्लाज्मा एंटीडिसेंट एंड इज फैक्टर ठीक है अब बेटा यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो भी रिएक्शन हो रहे हैं जो भी रिएक्शन हो रहे हैं इन सब में कोई ना कोई क्लॉटिंग फैक्टर और कैल्शियम काम करेगा तो उसके बिना तो ये होगा नहीं जो लास्ट में जब क्लॉट बनता है तो यहां पे क्लॉटिंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो हमने लास्ट किया है वो आता है ठीके? चलो ओके तो ये थे बेटा आपके ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म आगे बढ़ते हैं क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना जरूरी होता है <laughs> चलो आगे बेटा आपका लिम्फ अब लिम्फ क्या होता है देखो एक तो आपका बॉडी फ्लूड है ब्लड क्या है ब्लड ब्लड प्रेजेंट है ब्लड वेसल में ये भी आपको पता है ठीक है कई बार ब्लड डिफ्यूज होता है और उसका कुछ सामान बाहर आ जाता है तो ब्लड डिफ्यूज होकर जब बाहर आता है धीरे धीरे रिस रिस कर तो ये यहाँ पर कुछ टिश्यूज में ट्रैप हो जाता है तो यहाँ पर हम ब्लड को क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पर हम ब्लड को बोलते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूएड इंटरस्टीशियल का मतलब होता है इन बिटवीन समथिंग क्या मतलब होता है इन बिटवीन समथिंग तो बेटा ये यह यहाँ पर जब ब्लड डिफ्यूज होकर आया तो ये बना इंटरस्टीशियल फ्लूएड ये इंटरस्टिशियल फ्लूड ये इंटरस्टिशियल फ्लूएड फिर एक और जगह पर एंटर करेगा और वो होती हैं बेटा छोटी छोटी कैपिलरीज, जो है लिम्फ कैपिलरीज, क्या है बेटा ये लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है ये क्या है बेटा लिम्फ कैपिलरीज। तो इसके अंदर अब जब इंटरस्टिशियल फ्लूड चला जाएगा तो उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूड नहीं लिम्फ बोलेंगे क्या बोलेंगे लिम्फ और ये है लिम्फ कैपिलरी बहुत सारी लिम्फ के पिलरीज फिर आगे जाती हैं एक बड़ी लिम्फ वेसल में कहा जाती हैं लिम्फ वेसल में और ये सब के पिलरीज छोटी छोटी ये मैं के पिलरीज बना रही हूं ये सारी जो ब्लड से लिम्फ लेकर आई हैं ये सारा लिम्फ ये लिम्फ वेसल में डाल देंगी ठीक है लिम्फ वेसल फिर आगे लिम्फेटिक ट्रंक में डाल देगा ये इससे भी बड़ा होगा अब ये लिम्फेटिक ट्रंक अल्टीमेटली लिम्फ पर फेंक देगा ब्लड वेसल में फेंक देगा तो इससे आपको क्या पता चला आपके लिम्फ का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है वो ब्लड से <coughs> यहाँ से बन तो रहा है पर वो सिर्फ यही डायरेक्शन में जा रहा है अब आप बोलोगे मैं ब्लड से वापस से तो आ रहा है पर यहाँ पर वो ब्लड है वो लिम्फ नहीं है लिम्फ तो उसके अस्तित्व यहाँ पर आया है तो इसका फ्लो क्या हुआ बेटा क्शनल अगर मैं ब्लड से कंपेयर करूं लिम्फ को किसको लिम्फ को अगर मैं ब्लड से कंपेयर करूं, तो लिम्फ में एज कंपैरिजन टू ब्लड लिम्फ एज कंपैरिजन टू ब्लड इसमें ऑक्सीजन कम होता है न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं ऑक्सीजन भी कम होता है न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं पर सीओ टू और वेस्ट ज्यादा होता है इसमें आर बी सी नहीं होते पर इसमें डब्ल्यू बी सी आर प्रेजेंट डब्ल्यू बी सी में होते हैं ठीक है तो ये लिम्फ का काम क्या है तुम्हारी बॉडी में ये एक सिस्टम के साथ अटैच है आपकी बॉडी में जिसे कहते हैं लिम्फैटिक सिस्टम जो हम आगे पढ़ेंगे ओके बेटा लिम्फैटिक सिस्टम में आपके क्या होता है बेटा uh, अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होती हैं जैसे आपके लिम्फ नोड्स क्या इन्वॉल्व होती हैं लिम्फ नोड्स तो लिम्फ नोड आपने सुना होगा टॉन्सल्स आपने सुने होंगे तो ये सारे लिम्फैटिक सिस्टम का पार्ट है ये आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे ओके okay? तो ये लिम्फ उसी में ही जाता है ओके okay? तो ये काम करता कैसे है क्या करता है लिम्फ के फंक्शन क्या क्या हैं what is its function what is the what is the function of it what does it do kya karta hai pehla ye transport karta hai kya karta hai beta transport kiska transport transport of fat अब आपने सुना होगा कि आपके intestine में एक lymphatic capillary होती है जिसका नाम है lacteal आपका जो बड़ा बड़ा फैट है वो कभी भी ब्लड से नहीं जाता क्योंकि ब्लड में डिपॉजिट हो गया तो बीमारियां हो सकती हैं तो उसे कहां पर डाल देते हैं बेटा लेक्टील में एंड वॉट इज इेक्टील लेकटील इज द लिम्फैटिक केपिलरी लिम्फैटिक केपिलरी ऑल्सो आपके जो बड़े बड़े लिवर प्रोटीन्स होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट करता है क्योंकि बड़े बड़े प्रोटीन ब्लड में नहीं जा सकते साइज़ बड़ा है इसलिए नहीं जा सकते पार नहीं कर पाएंगे तीसरा काम बेटा आपका लिम्फ और क्या करता है आपका बेटा जो लिम्फ होता है ये ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करता है अब ये ब्लड वॉल्यूम क्या है जब आपके ब्लड में पानी ज्यादा होगा जब आपके जब आपके ब्लड में पानी ज्यादा होगा तो वो ब्लड अपना पानी लिफ्ट को दे देगा क्योंकि उससे डिफ्यूजन से बन रहा है जब ब्लड के पास कम हो जाएगा तो वो वापस से ले लेगा सिंपल तो इस तरह से ब्लड मेंटेन ब्लड वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है उसमें बेसिकली पानी को मेंटेन कर रहा है फोर्थ क्योंकि इसमें डब्ल्यू बी सी है सो इम्यून रिस्पॉन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें से क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है लिवर प्रोटीन तो होते हैं बेटा एंटीबॉडीज भी होती हैं तभी इसमें मैंने कहा लिम्फ नोड टॉन्सल से ये रिलेटेड है और ये सारे किससे रिलेटेड होते हैं आपके इम्यून से तभी जब भी आपको खराश वगैरह गले काम ज्यादा रिस्पॉन्स तो ये था तो बेटा तो आपका लिम्फ आगे करते हैं कुछ सवाल पहला विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेलीमेंट सेल्स इन क्लॉटिंग रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल प्लेटलेट एथ्रोसाइट इनमें से <coughs> कौन से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं बेटा कौन से हैं बताइए इनमें से कौन से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स आंसर इज थ्री ओके आगे अ स्पेशल केस ऑफ आर एच कंपैटिबिलिटी मिस मैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन आर एच ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विद आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस

पहले जो क्वेश्चन में पूछा है उसको पहले सोच लिया करो ऑप्शन बाद में पढ़ा करो बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आपको चीज़ भी याद होती है जब आप इसके ऑप्शन पढ़ लेते हो ना आप कंफ्यूज हो जाते हो तो यही मकसद होता है एम सी क्यूज का तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना पहले ही दिमाग में आंसर बोल दिया करो हिस्टामिन सेरोटोनिन हिपेरिन एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन टरी रिएक्शन विच आर सिक्रिएटेड बाय बेटा इन सबको कौन सिक्रिएट करता है में अगर की बात करें, तो कौन था मास्ट सेल ऑफ द फॉलोइंग आइन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग मैंगनीस मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन वेरी सिंपल कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ये कैल्शियम सो आंसर फोर इसके बिना ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी आगे फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन द इनएक्टिव फॉर्म प्लाज्मा इन द इनएक्टिव फॉर्म आरबीसी इन एक्टिव फॉर्म बोथ वन एंड थ्री जो फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा फैक्टर को सबसे पहले समझ लो प्रोथ्रोम्बिन आपके और Fibrinogen. तो वो फॉर्म में होते हैं और किस में पड़े थे ये हमने प्लाज्मा प्रोटीन में पड़े थे ठीक है तो प्लाज्मा में होते हैं पर फॉर्म आंसर टू ठीक है आगे आगे क्या कुछ भी नहीं वेरी सिंपल अब आप क्या करेंगे इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसके पीवाई क्यूज लगाएंगे और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर